हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन में के में। मैं कुसुम और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ MGP 13 के। ये पार्ट आपका 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ये 4th पार्ट है। इस बुक को हम नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष भी बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ये नागरिक समाज के ऊपर आपको मैंने बताया था कि बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, नागरिक समाज के जो शास्त्रीय हैं उनके विचारों के बारे में, मतलब कि बताना है आपको इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पोज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको फोन थोड़ा छोटा लगे तो, ये और बड़ा नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि ये नहीं तो फिर बाहर चल जाएगी वीडियो, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा फिर मेरे को पूरा ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको मैं इतना छोटा कर देती हूँ, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ये आप इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसकी PDF भी ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप करके इसकी PDF ले सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो इस बुक में से आप इन क्वेश्चंस को मार्क करके आप इजीली उसमें से भी पढ़ सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो आप फिर PDF ले सकते हैं या फिर वीडियो को पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो मैं अपलोड करने के बाद एक वीडियो और अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। तो अब एक वीडियो और अपलोड करूँगी, उसमें भी 4 होंगे, वो लास्ट वीडियो होगी। तो हम देख सकते हैं वैश्विक नागरिक समाज क्या है, इसमें भी आपका वैश्विक नागरिक समाज के बारे में पूछा गया। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो स्टूडेंट तो आप उनको स्किप कर देना, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन सिमिलर लगे या फिर रिपीट लगे तो आप उसको, तो कोई है नहीं इसमें सिमिलर, बट अगर गलती से मेरे से कोई सिमिलर हो गया हो, सेम हो गया, तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ वैश्विक नागरिक समाज क्या होता है वो देख सकते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है वो सब आपको इसमें बताना है, कि वैश्वीकरण आया है तो किस प्रकार से नागरिक की क्या भूमिका हो गई है, नागरिक, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर कैसे जुटने लगा है, कैसे एक देश के बाद दूसरे देश में ईजिली चल जाती है वैश्वीकरण के कारण, वो सब चीज़ें इसमें बताने हैं। व्यक्तिगत पहल और स्वतंत्रता पर गांधी जी के विचार बताने हैं, कि गांधी जी क्या सोचते थे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहल की, व्यक्ति को कैसे पहल करनी चाहिए अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आवाज़ कैसे उठानी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बहुत ईजी है ऐसी है, इसलिए आप इसको पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको या फिर सोल्ड क्वेश्चन पे बची हूँ उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ की PDF के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप उस पर अलाउड नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर मिलेगा उस पर ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। और PDF रिलेटेड है खाली वो बच्चों, तो PDF रिलेटेड ही आप उसमें मैसेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राज्य से संबंधित कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत आपको बताने की, आधुनिक राज्य में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो लागू होते हैं, तो वो सब इसमें बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे इसको पोज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए और कोड हो तो उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अगर मैं वीडियो नहीं आ रही होंगी उस पर, या कोई ऐसा कोड होगा जो मेरे पास या बुक अवेलेबल नहीं होगी, अब PDF नहीं होगी इसकी कोई भी, या वीडियो, तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो देखिए इतने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप यहाँ देख, और आपको वीडियो कैसे लगी है वो भी आप मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करूँगी तो सारे क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, क्योंकि हर एक वीडियो में 4 क्वेश्चन थे, तो अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किए तो 16 क्वेश्चन हुए, एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ईजिली आप बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज और कोई इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।